तो ये सेकेंड लेक्चर है हमारा डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिज्म का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जो किसने लाया था, कार्लस लीनियस ने, ठीक है। कार्लस लीनियस ने 1758 में इसको लाया था क्लासिफाइड। इसमें इसने क्या किया था, इसने क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। पर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी करने में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि क्या हो रहा था कि बहुत ये डिफ़िकल्ट हो रहा था लोगों को पढ़ाई करने में, इसको स्टडी करने में, कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी कई सारे ऐसे वैरायटीज़ होते हैं जो कि थोड़े अलग होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसको लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को उतना मान्य नहीं दिया गया। तो इसके बाद हमारा आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लाए आर एच विटेकर ने, ठीक है, 1959 में। इसमें क्या किया, उन्होंने पांच किंगडम में इसको क्लासिफाई किया, जो कि था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये न्यू क्लासिफिकेशन था। इससे पहले क्या था, कार्ल वूज 1977 में फर्दर जाके इसको क्या किए, आर के बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में मोनरा को डिवाइड किए। मोनरा फर्दर डिवाइड हुआ आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फंजाई में क्या आती हैं, प्रोटिस्टा में क्या, और एनिमल एंड प्लांटे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, कि नोमेनक्लेचर क्या है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उनके क्या होते हैं, उनके हर एरिया में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे एरिया में कोई सब्ज़ी होती होगी, वो किसी और एरिया में उसके लिए उस सेम सब्जी के लिए कोई और वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कई जगह पे परवल के लिए परवल वर्ड यूज़ किया जाता है, कई जगह पे उसको पटल कहा जाता है, कई जगह पे कुछ और भी चीज़ें कही जाती हैं। तो इस तरीके से हर एरिया में क्या होता है कि कोई भी चीज़ों के नाम अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नाम उसको दे देते हैं, जिस नाम से उसको हर कोई जाने, और वो नाम उसका क्या होता है, उसके उस नाम को हम लोग उसका साइंटिफिक नेम कहते हैं, ठीक है, जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ये चीज़ें आती हैं। ये भी किसने लाया था, कार्लस लीनियस ने लाया था, ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनस और स्पेसिस, ठीक है, ये दोनों को हम लेते हैं। तो जीनस जो होता है वो हमारा सबसे पहले रिटर्न होता है, और उसके बाद उसके स्पेसिस को हम राइट करते हैं वहाँ पे। तो जीनस जो होता है उसमें क्या होता है कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और ये जो होते हैं इनको अगर हम लोग पेपर में लिखते हैं तो इनके नीचे हमेशा हमें अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो का जो एच होगा वो कैपिटल होगा, सेपियंस, और ये जो होंगे इनको हम लोग हमेशा अंडरलाइन करेंगे, और सेपियंस जो है वो कैपिटल एस वहाँ पे नहीं होगा, सेपियंस का जो है स्मॉल लेटर वाला एस होगा, ठीक है। सिर्फ जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं। तो आप कभी भी एग्जाम में आपको किसी का साइंटिफिक नेम अगर लिखना है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना नहीं भूलिए, और उसका जो जिस तरीके से उसके कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखा जाता है उस चीज़ों को ध्यान में रख के आप लिखिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी साइंटिफिक नेम जो आप लिखोगे उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, जीनस का जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए और स्पेसिस का स्मॉल होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब आगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग इसको क्या अलग अलग चीज़ देख के इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। तो इन चीज़ों को देख के हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो मोनरा जो होता है, मोनरा का बेसिक फीचर क्या होता है कि मोनरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। मोनरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, और ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट हैव सेल वॉल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनाबेन एंड बैक्टीरिया,
एनाबेन बैक्टीरिया, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स है जिसमें बैक्टीरिया क्या वो हेट्रोट्रॉफिक है। और वैसे ही कुछ ऑटोट्रॉपिक के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये दोनों क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये दोनों ऑटोट्रॉपिक्स हैं। तो ये मोनरा का बेसिक फीचर है। मोनरा क्या है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहला किंगडम है। तो इस किंगडम में क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। अब इसके आगे जो आने वाले हैं उसमें क्या होगा, प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक के जगह यूकैरियोटिक हो जाएंगे और यूनिसेलुलर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो बढ़ते चलेंगे। तो बेसिक फीचर हमने मोनरा का जान लिया, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, सेल वॉल हो भी सकता है, सेल वॉल नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स में हमने एनाबेन पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा और ब्लू ग्रीन एल्गाई पढ़ा। ओके, अब हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिक फीचर इसका क्या है, ये यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, मोनरा जो था वो प्रोकैरियोटिक था और यूनिसेलुलर था। अब प्रोटिस्टा जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं, वो यूकैरियोटिक है पर अभी भी वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये भी क्या ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों हो सकता है। मे हैव सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। इनके पास सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया होता है, ये क्या करते हैं, उन्हें लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। लोग मूवमेंट और लोकोमोशन में अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं, पर मूवमेंट का मतलब होता है कि हम एक जगह पर ही रहे और उस जगह पर ही हमारे बॉडी का मूवमेंट हो, ठीक है। हमारा हम जो है वो जगह चेंज हमारा नहीं होता, पोजीशन चेंज हमारा नहीं होता है, ठीक है, बस हमारा पोस्चर चेंज होता है। और लोकोमोशन में क्या होता है, वहाँ पे हमारा पोजीशन चेंज होता है। जैसे हम चल के अगर एक जगह से किसी दूसरे जगह जा रहे हैं तो वो हमारा लोकोमोशन हुआ, ठीक है। और हम एक ही जगह बैठ के अगर मूव कर रहे हैं तो वो हमारा मूवमेंट होता है। तो सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया का क्या काम होता है, वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ ये तीनों ही एक उसमें पाए जा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म में, और लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। किसी किसी में सीलिया पाए जाते हैं, वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, किसी किसी में फ्लैजेला होते हैं और किसी किसी में स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, अब इनमें प्लांट्स लाइक यूनिसेलुलर एल्गाई हो, ये जो भी यूनिसेलुलर एल्गाई होते हैं जो प्लांट्स, वो इनके एग्जाम्पल हैं। डाई एटम्स हैं, एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआन, अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। और कुछ फंजाई भी इसके एग्जांपल्स हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं उसमें कुछ फंजाई भी इसके एग्जांपल्स हैं, लाइक स्लाइम माउल्ट, वाटर मॉल्ट्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं किंगडम फंजाई पे। अब है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बेसिक फीचर्स क्या है, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर। देखिए अभी तक यूनिसेलुलर तक चल रहा था, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में हम आ चुके थे, पर अभी यूनिसेलुलर ही था, मोनरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर था। पर फंजाई हमारा क्या है, ये हमारा यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर, ठीक है। समटाइम्स इसमें ये यूनिसेलुलर भी होता है, लाइक ईस्ट, ईस्ट इसका एग्जांपल है जो कि फंजाई है पर वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे, तो आपको मेन एक्सेप्शंस क्या है वो याद रखने हैं, ओके। बाकी तो आपको पता है कि फंजाई मल्टीसेलुलर है, पर कहीं आपको एग्जांपल में ईस्ट आ गया तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ईस्ट फंजाई है बट ये यूनिसेलुलर है, ओके। अब है सोर्स ऑफ फूड। इसमें ये क्या होता है, ये सोर्स ऑफ फूड के तरह यूज़ होता है फंजाई, ठीक है। इसको हम लोग फूड के तरह भी यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, ये सब यूज़ करते हैं डिकिंग मटेरियल, ठीक है। जो डेड और डिकिंग मटेरियल्स होते हैं उनको ये फूड के तरह यूज़ करते हैं। आप लोगों को तो सेप्रोफाइट का मतलब पता ही है, तो ये सेप्रोफाइट होते हैं उसके, तो ये डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को फूड की तरह यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, इसमें सम जो होते हैं वो कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक क्या होता है, दिस ऑर्गेनिज्म लीव इनसाइड बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू हैव फूड एंड कैन बी डिजीज कॉजिंग। ये सारे क्या होते हैं कि किसी बॉडी के अंदर होते हैं और उस बॉडी को ये अपने खाने के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये सब डिजीज़ भी फैला सकते हैं, ओके। तो ये पैरासिटिक होता है, तो ये क्या मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं, बस बट कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं।
अब है ये मेन एक टॉपिक है सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। ये फंजाई में ही आता है सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, ठीक है। दिस आर रिलेशंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे लीव टुगेदर फॉर बेनिफिट ऑफ वन और बोथ। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि ये एक दूसरे को बेनिफिट दे सकें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा लाइकन। लाइकन क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है? फंजाई के साथ शो करता है। तो लाइकन और फंजाई का क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये दोनों शो करते हैं, ठीक है। फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, हियर फंजाई गेट्स फूड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, फंजाई जो है वो फूड लेता है साइनोबैक्टीरिया से, और साइनोबैक्टीरिया को उसके रिटर्न में ये क्या, प्रोटेक्शन और वाटर देता है, ठीक है। प्रोटेक्शन देता है किससे? सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है। तो ये क्या हो गया, ये इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया कि ये क्या कर रहा है, फूड ले रहा है और उसके बदले में उसे प्रोटेक्शन दे रहा है और वाटर दे रहा है। तो इसी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो फंजाई में जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन के बने हुए होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे मशरूम, एगेरिकस भी जिसको कहते हैं, मोल्ड, पेनिसिलियम, ग्रीन स्मट, एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस, एग्रिकस और पेनिसिलियम के नाम से आप इसको ज़्यादा बायोलॉजी में जानोगे। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, मोंड्रा, प्रोटिस्टा और फंजाई। और कल वाले लेक्चर में फिर हम प्लांटे और एनिमेलिया को देखेंगे। प्लांटे थोड़ा लंबा टॉपिक है और फिर उसके बाद एनिमेलिया उससे ज़्यादा लंबा टॉपिक है। तो प्लांटेलिया के लिए कल हम लोग अलग से एक लेक्चर करेंगे, एंड फिर एनिमेलिया के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। एनिमेलिया शायद हमारा दो लेक्चर में कवर हो, तो इसको आप लोग पहले कवर कर ले, इसको अच्छे से पढ़ ले और नोट्स बना ले। ओके, थैंक यू।